हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब। और आज है पचमढ़ी के पिकनिक टूर का दूसरा दिन और अभी हमारा नाश्ता हो गया है और सुबह 7 बजे से हम उठ के बैठे थे रेडी होके। और देखिए अब हम आए हैं जिप्सी करने के लिए और जिप्सी के लिए देखिए कितनी गर्दी है यहाँ पर। देखिए अब तो लाइन पे खड़े रहना पड़ेगा। हाली वाली नहीं, हाली सीट वाली। ये देखिए कितनी गर्दी है। हाय करो सबको। और आप सबका चहेता कल बहुत नाराज था, आज थोड़ा है। देखिए इसको देखिए। आज खुश लग रहा है किट्टू, है ना किट्टू? अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, जहाँ हम जिप्सी के लिए टिकट निकालने गए थे वहीं पे अंदर एक म्यूज़ियम है। तो यहाँ पर देखिए सब पशु और पक्षियों के यहाँ पर स्टैचूज थे, तो ये भी बहुत ही सुंदर था। ये देखिए, मतलब पचमढ़ी में जंगल की कमी ही नहीं है, मतलब हर जगह जंगली है और पहाड़ी। तो शायद उसी को दिखाने के लिए ये म्यूज़ियम इन्होंने शायद से बनाया होगा। और ये म्यूज़ियम देख के किट्टू तो बहुत खुश हो गया था, इसे तो यहीं पे घूमना था। मतलब जो भी उसका टायर्डनेस था कल का, मीन्स एक दिन पहले का, वो सारा का सारा ख़त्म हो गया है। देखिए किस तरह से वह मस्त यहाँ पर मस्ती कर रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं जिप्सी में। और जिप्सी में ट्रैवल करना एक अपना अलग ही मज़ा होता है, बहुत ही अच्छा एक फील आता है। तो हमने तो बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। तो अब हम आए हैं अप्सरा फॉल देखने के लिए। यहाँ पे हमारे पास 3 वाटरफॉल है, अप्सरा फॉल, सिल्वर फॉल, पांचाली कुंड। काफी लंबा ट्रैक है, काफी ऊपर चढ़ के आना है। अगर आंटी लोगों को चढ़ने में दिक्कत हो तो उनको यहीं रोक दो, क्योंकि इसके बाद वाले जो लोकेशन होंगे वहां वो जा पाएंगी। जो यंगस्टर हैं जो जाके आ सकते हैं वो फटाफट जाके आ जाएंगे अपन, क्योंकि वाटरफॉल छूने मिलेगा नहीं आंटी, बेवजह थकने से कोई मतलब नहीं है। आप नीचे का डीप देखिए कितना नीचे उतरना है। क्या करें, किट्टू चलता ही नहीं है तो उसको किसी ना किसी तरह से उसे ले जाना पड़ता था। हर बार एक ना एक किसी का टर्न होता ही था। तो टाइगर दिखेगा तो ये देखिए, ये ये बाइसन के पैर है। अभी बड़े वाले वाइल्ड लाइफ का जो सेंसिटिव एरिया से थोड़ा सा जुड़ा होता है, जहाँ मतलब एनिमल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो कोर एरिया जो होता है जहाँ पे प्रॉपर टाइगर वगैरह एनिमल वगैरह सांवर, चीतल, चिंकारा, ये सारे एनिमल होते हैं। तो अभी हम जिस एरिया में, ये पूरा नेचुरल ट्रेल है। नेचुरल ट्रेल बोले तो यहाँ पे हर्बल है, पैदल चल सकते हैं, वैली व्यू देख सकते हैं, झरने देख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। सामने लेडिया का पेड़ होता है, हमारे यहाँ इसको लेडिया बोलते हैं, जिनको बीपी ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो इसकी लकड़ी को अगर ऊपर साइड किया तो बीपी लो वाले को राहत मिलती है, और नीचे साइड रगड़ा तो हाई वाले को राहत मिलती है। कौन सा पेड़? गाइड के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ा हम पीछे रह गए तो बहुत सी जानकारियाँ पीछे रह जाती है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे ये किसने बनाया? यहाँ भालू आके अपने दिमाग खाता है। सबसे पहले हमने देखा सिल्वर फॉल। तो सिल्वर फॉल ये बहुत ही सुंदर ऐसा फॉल है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी गिरती है तो इसका कलर मतलब सिल्वर लगता है, तो इसलिए इसका नाम सिल्वर पड़ा है। तो ऐसा हमें गाइड ने बताया था और ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसके बाद हम आए हैं अप्सरा फॉल देखने के लिए, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर अशोका पिक्चर की शूटिंग हुई थी, मतलब जो करीना कपूर ने जो गाने पर डांस किया था सन सन अन सन, तो उसी के मतलब यही पर हुई थी। चलो
तो फ्रेंड्स ये वही झरना है जहाँ पर अशोका पिक्चर में करीना कपूर ने जो शूटिंग की हुई थी सन सन ना वाले गाने पे, तो यही वो झरना है। देखिए बात देखा है हमने पांचाली कुंड मतलब यहाँ पर पांच पांडव नहाया करते थे, तो यही वो कुंड है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत था और ये बहुत गहरे थे, दिखने में तो ऐसा लगता नहीं है बट बहुत ही गहरा था यह कुंड। तो उसके बाद ही देखिए किस तरह से हमें मतलब ट्रैकिंग करनी होती थी, तो इस तरह से हर जगह पे चढ़ चढ़ के जाना होता था। पर इस ऐसे चढ़ाई में तो इंसान चढ़ भी जाता है बट सीढ़ियों पे तो बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं पे बहुत ऊंची सीढ़ियाँ और कहीं पे मतलब लेवल में, तो इस वजह से मतलब मैं तो बहुत थक गई थी आज के दिन, तो मैं बहुत थकी थी। भाभी थक गई। हाँ हींगे वाले थे ना, देखा ना। हाँ वही तो थे। क्या करना है बोलो ना। तो अभी हम ट्रैकिंग करके आए और देखिए मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। और ये देखिए ये जापान के ट्रैकिंग करके आ चुके हैं, ये देखिए इनको देखिए पूरे पेड़ को खत्म करता पूरा ड्रिल की तरह होल। इसके बाद हम देखने आए हैं पांडव लेनी, और ये पांडव लेनी भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। गार्डन के पीछे ये पूरा मतलब लेनी है। इसके बाद हमने एक जगह पर रुक के नाश्ता किया था और अभी हम आए हैं बीफॉल देखने के लिए। तो ये देखिए ये झरना होते हुए मतलब यही पानी वो बीफॉल की तरफ जाता है, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। जब तक हम ये फॉल में पहुँचे तब तक तो शाम हो चुकी थी और पानी का बहाव भी बढ़ चुका था और पानी भी बहुत ठंडा था, क्योंकि पचमढ़ी में इतनी ठंडी थी कि ठंडी मतलब सहन नहीं हो रही थी, इतनी ठंडी थी। किट्टू को तो हमने 2 से 3 कपड़े पहनाए हुए थे तभी जाके मतलब हमें लगा कि ये सेफ है, हम तो सहन कर लेंगे पर वो नहीं बता पाएगा कि उसे क्या फील हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसके लिए 3-4 कपड़े साथ में ही रखे हुए थे। और ये देखिए नज़ारा तो मतलब इतना सुंदर इतना खूबसूरत कि बस मतलब इसी चीज़ को एंजॉय करो फील करो, बाकी आपने स्पॉट पे कितना एंजॉय किया वो मैटर नहीं करता है, पर ये ग्रीनरी आपको रोज़ देखने को नहीं मिलती है। तो बस यही देख के हम बहुत खुश हो रहे थे और अभी हम निकल पड़े हैं धूपगढ़ के लिए। और आज है पूरे बादल तो उस वजह से शायद ही हमें सनसेट मिल पाएगा, तो ये सनसेट पॉइंट है तो उसी के लिए हमें बहुत ही ऊंचा जाना पड़ रहा है बहुत ही हाइट पर, तो यही से हमें सनसेट दिखेगा। तो यही आज से हम निकल पड़े हैं कि दिख जाए, पर देखिए अभी क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए शाम हो गई है और अभी मैं आई हूँ धूपगढ़ में और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी है धूपगढ़। और जिस पहाड़ी पर मैं खड़ी हूँ वो पहाड़ी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी है, और इतने हाइट पे पहुँचते पहुँचते हमें आधा घंटा लग गया था।
और यहाँ पर इतनी ठंडी थी कि पूछिए मत। और देखिए चारों तरफ बस ओस ही ओस, तो सभी लोग बस इस आस में खड़े हैं कि बादल हट जाए और हमें सनसेट दिख जाए। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि आज बादल ही थे देखिए, पर जो भी दिखा बहुत ही खूबसूरत दिखा। नज़ारे ही बहुत खूबसूरत है कि दिल खुशी हो जाता है, और ठंडी तो बहुत ही ज़्यादा। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और हम अभी रूम से फ्रेश होके सीधा खाना खाने ही यहाँ पर आए हैं। तो हमें आज कुछ स्पाइसी सा खाना था क्योंकि यहाँ पर हमने सुना था कि यहाँ पर बहुत जैसा हम खाना चाहते वैसा खाना मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ आए हैं और आज ठंडी बहुत ज़्यादा है, मतलब 6 से 7 डिग्री मतलब टेम्परेचर यहाँ का रहा होगा उस वक्त हमने यहाँ पर खाना खाया था। और जैसे कि हम बात करते थे तो हमारे मुंह से ओस ही निकलती थी। तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। पचमढ़ी की पिकनिक का ब्लॉग day 2, और तीसरे ब्लॉग के लिए भी बने रहिए। और यही तक था मेरा आज का वीडियो। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।